इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर वो मनोदशा की स्थिति है कि जिसमें आप बीमार ना होते हुए भी अपनी एक दाने को भी, एक चींटी रेंगने को भी आप ये सोच लेते हो कि हमको क्या से क्या हो गया। बहुत दूर तक दिमाग दौड़ा के आप करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस करा लेते हो। तो ये जो बेचैनी है कि आप कहीं बीमार ना पड़ जाएं, यही विषय है एंजाइटी डिसऑर्डर और इस एक कहेंगे विशिष्ट समस्या की होम्योपैथी में विशिष्ट दवाएं हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक अजीबोगरीब स्थिति की, मनोदशा की, और वह मनोदशा है जिसको मेडिकल साइंस कहती है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर वो स्थिति होती है जब हम में से कुछ लोगों को हर समय ये लगता है कि या तो हम बीमार हैं या हम बीमार हो जाएंगे, और हम उससे बहुत बेचैन हो जाते हैं और बहुत आगे की सोच लेते हैं और इस सोच में करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस करा डालते हैं हेल्थ का, और कंपनियां इसका लाभ लेती हैं। इंश्योरेंस कराना बुराई नहीं है, लेकिन आपकी जो सोच है यह बुराई है, क्योंकि आपके दिमाग में हर समय इसी बात की बेचैनी हो जाती है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में कि हम बीमार होने वाले हैं, हम बीमार हो गए, हम बीमार हो जाएंगे, और जरा सी चींटी भी रेंग जाती है तो आपको लगता है हम बीमार हो गए। किसी को कोई छोटा सा दाना निकलता है तो वो सोचता है मुझे क्या क्या हो जाएगा, कहाँ तक वो दिमाग दौड़ा लेता है आप जानते हैं। तो मेरे परिवार का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं जाने वाली हूँ, इस तरह की बातें। तो एक बीमारी है साथियों, और आज हम आपको इस रोचक विषय की भी इसको कह सकते हैं और एक अनोखा विषय भी कह सकते हैं। आज हम बताएंगे आपको इसी की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो अपने को बीमारी से परेशान होने की मनोदशा जो आप में आज उत्पन्न हो जाती है इसको रोकेगी, कि बीमारी है नहीं या बीमारी बहुत छोटी है लेकिन सोच बहुत दूर का लिया। तो आज हम आपको इसी की दवा बताएंगे कि आप अपनी इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बेचैनी को कैसे खत्म करें। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन ये शरीर है एक बहुत बड़ी मशीन है अपने आप में, अंदर इलेक्ट्रॉनिक भी है, मैकेनिकल भी है, तो समस्याएं कहीं से तार कहीं जुड़े हो सकते हैं। तो कोई भी दवा लें तो कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लें, बिना कुशल चिकित्सक से पूछे कोई भी दवा ना लें। चलते साथियों सफर पे, जिस पे आपको बताते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की है वह है नक्स वोमिका। अगर किसी को लगता है कि अब हमें बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है और एक शक उसके मन में बैठ जाता है, यहाँ पर एक एलिमेंट नक्स वोमिका में इन्वॉल्व होता है, शक, सस्पिशन। अगर सस्पिशन है, जैसे लग रहा है उसने मुझको जहर दे दिया अब मैं जाने वाला हूँ, उसने मुझको नशा दे दिया अब मैं नशे का आदि हो गया हूँ, तो इस तरह का इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जबकि उसने दिया और आपको कोई समस्या नहीं है लेकिन आपको महसूस होता है और आप बेचैन हो जाते हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका। आप 30 पावर में दो बूंद नक्स वोमिका लेकर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर या अपने को बीमार न होते हुए बीमार होने की जो कंडीशन है इसमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर सस्पिशन का एंगल, शक करने का एंगल इन्वॉल्व है। एक स्थिति साथियों आती है महिलाओं में खास तौर से, कि उनका जब पीरियड का टाइम आता है उस टाइम उनको लगता है कि कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई मरीज हमारा ऑपरेशन कर देगा, हमारे साथ मिस हैपनिंग कर देगा। तो अगर यह एक एंटिसिपेशन मेंसेस के टाइम पर महिलाओं को आता है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एक्टिया रेसिमोसा। आप एक्टिया रेसिमोसा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी और इस तकलीफ से आपको बाहर करेगी। एक स्थिति साथियों आती है, बहुत कॉमन है, कि जैसे हम लोग के परिवार में कोई मेहमान रिश्तेदार आया, वो चला गया, उसके बाद हमें कोई बीमारी हो गई, तो
हमारे जो दिमाग ये जिसके दिमाग ये दौड़ने लगता है कि साहब वो आया था तभी ये बीमारी हुई और ये बीमारी बहुत खतरनाक होगी, कहीं ना कहीं मेरी जान ले जाएगी। तो अगर यह सिम्टम आप में विचार आए इस घटना के बाद कि रिश्तेदार परिवार रिलेटिव कोई रहने वाला घर दो दिन रुका मेहमान फिर चला गया और उससे हमको बीमारी हो गई और अब हमारा बहुत बुरा होने वाला है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया कार्ब 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर आप इस मनोदशा से बाहर आ सकते हैं और अपनी इस बेचैनी को दूर कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है जब आपका ध्यान जाता है कि हमारा दिमाग ब्रेन या सेक्सुअल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो गया है। आपको वीकनेस नहीं है लेकिन आपको वीकनेस लगती है, आपका ब्रेन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, आप रोज का काम रोज कर रहे हैं लेकिन लगता है कि हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर साथियों यहाँ सिम्टम आए तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्टेफिस सेग्रिया। आप स्टेफिस सेग्रिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके ब्रेन और जो सेक्सुअल सिम्टम्स हैं उनको ठीक करेगी और जो आपका दिमाग उस तरफ जाता है कि हमें बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है उस मनोदशा को ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि जब आपके दिमाग में ये बैठता है कि हमको किसी ने श्राप दे दिया और अब हमारा जो है वो ऊपर का टिकट कटने वाला है, तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपको लगता हो किसी ने आपको कर्ज कर दिया है और अब आपको बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ऑरम मेटालिकम। आप ऑरम मेट 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी, आपको ठीक रखेगी और आपको इस बेचैनी से निकालेगी। एक साथियों मनोदशा आती है कि जब किसी मरीज को लगता है कि अब हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है और हम बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाले हैं, तो अगर ये जब आपके सिम्टम आए कि हमारे घर में स्थिति ठीक नहीं है, घर में लोगों का व्यवहार नहीं सही है, लोगों का काम नहीं सही है और हम उसके मार्फत उसके कारण हम बीमार पड़ने वाले हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सीपिया। आप सीपिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी और बिल्कुल ठीक करेगी। ये साथियों को दवाएं थी जिसको कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, इसको हाइपोकॉन्ड्रियोसिस में भी यही दवाएं यही सिम्टम काम करते हैं, तो आप हाइपोकॉन्ड्रियोसिस या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं लेकिन जैसा हमने बताया बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए कोई दवा ना लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।